मन के जीते जीत हैं, मन के हारे हार। अद्भुत स्टेटमेंट है कि जो मन, जिसका मन जीत गया वो जिंदगी में जीत गया, जिसका मन बुझ गया, मन ने गिव अप कर दिया, मन ने हार को मान लिया, वो हार गया जीवन में। इसका फिजिकैलिटी से लेना देना नहीं है, इसका बाहर के जगत से लेना देना नहीं है। दिस इज ऑल योर डूइंग, आप कर सकते हो या आप कुछ भी कर सकते हो। वो एक इलॉन मस्क है जिन्होंने टेस्ला मोटर्स का इजाद किया, जिन्होंने स्पेस एक्स जैसी कंपनी बनाई, स्पेस पे कुछ कर रहे हैं वो। इलॉन मस्क के एक इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी अद्भुत बात कही कि अगर मैं ये विचार कर सकता हूं कि मैं स्पेस पे रॉकेट ले जाऊंगा तो मैं लेके जाने में सक्षम हूं, फिर मैं कुछ भी करूंगा, मैं टेक्नोलॉजी बना लूंगा और रॉकेट स्पेस में जाएगा। तो किसी ने उनसे पूछा, ये रॉकेट आप स्पेस में कैसे भेज पाए? उन्होंने यही आंसर दिया, विचार शक्ति। आई थॉट अबाउट इट, मैंने इस बारे में सोचा, मुझे ये विचार आया और मैंने उस शक्ति का प्रयोग करके वो रॉकेट बना के उसको स्पेस में भेज दिया। अद्भुत विचार की शक्ति, आप कुछ भी कर सकते हो। और मजे की बात यह है कि ये जो विचार शक्ति है ये सिर्फ आपको प्रभावित नहीं कर रही। हाँ, नाउ देयर इज अ सीक्रेट, आई एम कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये विचार शक्ति सिर्फ आपको प्रभावित नहीं कर रही है और लोगों को भी प्रभावित करती है, और इसके ऊपर बड़े अद्भुत काम हुए हैं। एक रिसर्च हुई अमेरिका में, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके घर में लोग हैं, बच्चे हैं, लोगों के साथ रहते हो, ये रिसर्च आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक रिसर्च हुई अमेरिका में, उस रिसर्च का नाम रखा गया पेगमेलियन इफेक्ट। पेगमेलियन इफेक्ट, इस रिसर्च का नाम जो पड़ा पेगमेलियन इफेक्ट, ये भी अपने आप में एक सुंदर कथा है, मैं थोड़ी सी 1 मिनट में आपको बताता हूँ। ये एक ग्रीक मिथ है, उसमें पिग्मेलियन शब्द का यूज किया। तो ये मिथ, ये है मिथ मतलब एक पुराणिक कथा जैसी, कि एक मूर्तिकार थे ग्रीस में, उन्होंने एक मूर्ति को गढ़ा और उस मूर्ति को इतनी सुंदरता से गढ़ा कि उस मूर्ति से प्रेम हो गया उनको, और वो प्रेम उनको इतना ज्यादा हुआ उस मूर्ति से कि वो मूर्ति जीवित हो गई। ये कहानी है, ये एक मैथोलॉजिकल कहानी है, मगर इस कहानी के ऊपर एक रिसर्च की गई, इस कहानी के भाव पे एक रिसर्च की गई जिसका नाम रखा पिग्मेलियन इफेक्ट। इन्होंने क्या किया, एक क्लासरूम में गए, 50 बच्चे हैं क्लासरूम में, और सबका आईक्यू टेस्ट किया। आईक्यू टेस्ट होता है जिससे आप अपनी इंटेलिजेंस को नापते हो। टेस्ट की रिपोर्ट आई ना, तो वो रिपोर्ट इन्होंने टीचर के साथ शेयर की, ना वो रिपोर्ट इन्होंने बच्चों के साथ शेयर की। ये जो लोग टेस्ट जो जो लोग ये रिसर्च कर रहे थे उन्होंने वो रिपोर्ट अपने पास रखी। अब इन्होंने टीचर को जाके बोला कि आपकी क्लास में जो 50 बच्चे हैं उनमें से ये 3 बच्चे हैं, कोई नाम दिया उन्होंने 3 बच्चों के, ए बी सी, इन 3 बच्चों का आईक्यू इज वेरी वेरी हाई, हमने अभी टेस्ट किया और हमने देखा है इनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई है और ये बाकी बच्चों से बहुत आगे का काम करेंगे, इनके रिजल्ट बहुत ही बेहतर आएंगे, आप ये देखना, इनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है। ये कहा टीचर को, टीचर ने नोट कर लिया नाम की, बड़ी अच्छी बात है। बहरहाल पूरा साल चलता रहा जैसे स्कूल में क्लास में पढ़ाई होती रही होती रही। साल में, और टीचर के जहन में हमेशा रहा कि ये 3 बच्चे स्पेशल हैं मेरी क्लास में, ये बाकी बच्चों से बहुत बेहतर रिजल्ट लाने वाले हैं। ये टीचर को, क्योंकि आईक्यू टेस्ट बताया गया, टीचर अपने विचार में ये बात मान लिया। साल के अंत में जब एग्जाम हुआ और रिजल्ट सामने आए, अद्भुत, वो 3ों बच्चों के स्कोर बाकी बच्चों से बहुत, मतलब मीलों आगे थे। टीचर बहुत खुश, क्योंकि टीचर को तो पता था कि इनके आईक्यू लेवल बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा है, ये रिसर्चर उनको बता चुके थे। अब जब एग्जाम का रिजल्ट आया, ये परिणाम ने आया, तो उन रिसर्चर्स ने, लेवल सेम है, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इस एक्सपेरिमेंट में हमने आपको 3 नाम दिए थे और कहा कि इन 3 बच्चों का आईक्यू लेवल ज्यादा है। अब देखो कितना अद्भुत हुआ, टीचर की विचार शक्ति कि इन 3 बच्चों का आईक्यू लेवल ज्यादा है, और ये विचार शक्ति वो पूरे साल अनुभव कर रहा है अपनी चेतना में, उसका एनर्जी ट्रांसफर हुआ इन 3 बच्चों के ऊपर और इन 3 बच्चों की मेधा यानी इंटेलिजेंस बढ़ गई और उनके रिजल्ट्स
बहुत ही बेहतर आए। इस इफेक्ट को साइंटिस्ट ने नाम दिया पेगमेलियन इफेक्ट। हाँ, आप इसको जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो। अद्भुत क्या कह रहे हैं ये। इसका मतलब ये हुआ कि आपके विचार किसी की प्रोडक्टिविटी बढ़ा भी सकते हैं और किसी की प्रोडक्टिविटी घटा भी सकते हैं, आपके विचार। अब प्रश्न आता है, सारा दिन आपके विचार आपके बारे में क्या रहते हैं, आपके विचार आपकी बीमारी के बारे में क्या रहते हैं? ओ मैं बहुत मैं हूँ, ओ हो मैं तो ठीक ही नहीं हो रही या हो रहा, ओ हो मुझे ये क्यों हो गया। हाँ, ऐसे विचार रहते हैं। मैं बहुत ऐसे मित्रों को जानता हूँ जो 40-50 साल के हैं, बट वो निरंतर ये बातें, इस तरह की बातें सोचते रहते हैं अपने विचारों में, और वो कभी ठीक नहीं हो पाते। ये जो पिग्मेलियन इफेक्ट मैंने आपको बताया, ये प्रमाणित करता है कि आपके विचारों में इतनी अद्भुत शक्ति है कि वो आपको भी ठीक कर सकते हैं और आपके आसपास के लोगों को भी ठीक कर सकते हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली बोलते रहें कि ये मेरा बच्चा है ना, ये बिल्कुल काम का नहीं है, ये तो हर बार फेल होता है, ये तो हर बार फेल ही होता है, ये तो कुछ सार्थक नहीं करता जीवन में, तो आप देखोगे वो बच्चा वाकई कुछ सार्थक नहीं कर पाएगा जीवन में। और इसके विरुद्ध अगर आप बोलोगे कि ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है, ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, ये बहुत सक्षम है बच्चा, तो आप देखोगे वो बच्चा वैसा बनता जाएगा। कैसे हो रहा है ये? विचार शक्ति। ये विचार शक्ति कुछ भी कर सकती है इस पृथ्वी पे। ये विचार शक्ति आपको बुरी आदतें भी देती है और यही विचार शक्ति आपकी आदतों को तोड़ती भी है। मैं बहुत मित्रों को जानता हूं जिनको सिगरेट पीने की लत है। शरीर मांगे सिगरेट या ना मांगे, वो उस इतना बड़ा इशू नहीं होता, बट एक सर्टेन टाइम पे उनका दिमाग, उनका विचार, उनका मन सिगरेट मांगता है। मैं उनसे पूछता हूं कि अगर तुम अभी नहीं पियो तो क्या हो जाएगा, तो कहते कुछ नहीं, बट ऐसे तलब हो रही है। सुना होगा ऐसा शब्द आपने। ये तलब बेसिकली उनके विचार उनको तंग कर रहे हैं, उनको बार बार खींच खींच के सिगरेट का विचार आ रहा है, तो ये विचार उनको ये बुरी आदत एक हैबिट में लेके जा रहे हैं। और जो लोग सिगरेट पीना छोड़ पाते हैं, हाँ, सिगरेट मैं एक उदाहरण की तरह यूज कर रहा हूँ, ये कोई आपका फूड हैबिट हो सकता है, ये आपका स्नैक हैबिट हो सकता है, ये आपका जंक फूड हैबिट हो सकता है, ये आपका सुबह ना उठने की हैबिट हो सकता है जल्दी, इट कुड बी एनी हैबिट। और यही विचार शक्ति जब वो प्रयोग करते हैं कि नहीं अभी मुझे ये तलब हो रही है, बट 1 घंटा मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, और 1 घंटा वो डिले कर देते हैं, इसी विचार शक्ति से वो इस हैबिट को तोड़ भी पाते हैं। ये है पावर विचार शक्ति की, मेरे देखे और जितने कई सैकड़ों हजारों मित्रों के साथ आज तक हम काम कर चुके हैं, उनके उनके अनुभव से मैं ये आपको बता सकता हूँ। ये विचार ही हैं जो आपको बीमारी दे रहे हैं और ये विचार ही हैं जो आपको हील कर रहे हैं। ये सारा खेल विचार शक्ति का है, ये मनोमय कोश का है सारा खेल। आपका शरीर आपके मन की सुनता है। आहार अच्छा इसलिए जरूरी है क्योंकि वो उसका ईंधन है, वो शरीर का ईंधन है, ईंधन को प्योर होना जरूरी है, बट इस शरीर को मन चला रहा है, तो मन का प्योर होना भी बड़ा जरूरी है और मन की शक्ति को समझना बड़ा जरूरी है।